नमस्कार साथियों, आज के एक और फ्रेश जबरदस्त दमदार वीडियो में देखेंगे एक नया एक्सप्रेसवे दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेसवे के डिटेल्स के बारे में। स्वागत है मेरे चैनल ऑसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में, मैं राकेश। चलिए वीडियो को अंत तक देखते हैं। दिल्ली के साथ साथ एक्सप्रेसवे प्रदेश के नाम से मशहूर हो रहे उत्तर प्रदेश को एक और एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है, दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेसवे। ऑफिशियली यह एक्सप्रेसवे गाजियाबाद के डसना से शुरू होगा। केंद्रीय पथ निर्माण मंत्री ने कुछ दिन पहले ही इस एक्सप्रेसवे को बनाने का घोषणा किया है। इम्पोर्टेंट बात पहली बार घोषणा कर रहा हूँ, वो घोषणा ये है कि हमारे डॉक्टर वी के सिंह साहब ने मुझे आग्रह किया था और वो लगातार उनके फॉलोअप के कारण दिल्ली से लखनऊ हमारा जो हाईवे है यही गाजियाबाद तक आने के बाद यहाँ से कानपुर और कानपुर से लखनऊ ये नया 3 एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं जिसमें कानपुर से लखनऊ 40 मिनट में पहुंचेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, दिल्ली से लखनऊ हम केवल 3.5 घंटे में जा सकेंगे, ऐसा काम करेंगे। ज्ञात होगा कि अभी वर्तमान में दिल्ली से लखनऊ वाया दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे तथा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से पहुंचा जा रहा है। इस रूट में दिल्ली से लखनऊ पहुंचने में दूरी के साथ साथ समय और धन दोनों का खर्च ज्यादा होता है। संभवतः इस यात्रा को करने में लगभग 465 से 500 किलोमीटर के साथ 7 से 8 घंटे का समय लगता है। इसी परिकल्पना को देखते हुए दिल्ली और लखनऊ के बीच एक डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे की जरूरत महसूस हुआ है। 2 फेजों में बनने वाले दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेसवे का पहला फेज कानपुर से लखनऊ बनाया जा रहा है, अतः दूसरा फेज कानपुर से दिल्ली का होगा। चूंकि इस एक्सप्रेसवे को भी ग्रीन फील्ड ही बनाया जाएगा तो रूट भी नया होंगे, साथ ही बाद में डसना को दिल्ली से भी जोड़ा जाएगा। माननीय मंत्री द्वारा दावा किया जा रहा है कि दिल्ली से लखनऊ फ्लाइट से भी कम समय में दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेसवे से पहुंचा जाएगा। 3.5 घंटे में पहुंचने का वादा किया जा रहा है। समानतः 120 किलोमीटर के रफ्तार के तहत एक्सप्रेसवे का रोड डिजाइन किया जाता है। इस अनुमान से दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेसवे का लंबाई लगभग 350 से 400 किलोमीटर होना चाहिए। फ्लाइट से दिल्ली से लखनऊ पहुंचने में 2 घंटा चेक इन टाइम, 1 घंटा ट्रेवल टाइम और 1 घंटा चेकआउट टाइम, यानी कि 4 से 5 घंटे का समय लगता है। तो फिर माननीय मंत्री जी ने सही कहा। बहुत ही प्राइमरी स्टेज में बात किया जाए तो दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कानपुर तक 9 जिलों से गुजरेगा। यह जिला क्रमशः हैं गाजियाबाद के बाद बुलंदशहर, बुलंदशहर के बाद अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद कासगंज के बाद फर्रुखाबाद के बाद कन्नौज के बाद उन्नाव के बाद कानपुर। फेज 1 में कानपुर और लखनऊ पर काम ऑलरेडी चल रहा है। शुरू में 4 लेन का यह एक्सप्रेसवे को 6 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। अगर सब कुछ सही रहा तो 2025 तक इसे बनाने का भी दावा किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग इस प्रोजेक्ट को नहीं बनाना चाहिए के लिए कह रहे हैं, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे के पैरेलल दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेसवे होगा। लेकिन मेरा मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी बढ़ेगा हमारे देश के लिए विकास के साथ साथ रोजगार का भी उतने ही मौके आएंगे। दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेसवे का DPR का इंतजार है। एक बार DPR बन जाने के बाद सारे डेटा एंड फैक्ट्स एक्यूरेट मिल पाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर हर छोटा बड़ा अपडेट आपको हमेशा दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कुछ पूछना या बताना हो तो कमेंट्स करें। जल्दी से प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमेशा आपको एक से बढ़कर एक वीडियो देखने को मिलेगा। मिलते हैं एक और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।